सभी को राम राम। सभी कैसे हो? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव का पूरा दृश्य। शानदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप। सुबह का शांत और शानदार दृश्य। ये है कलेवा, बाजरे की रोटी, दही और राबड़ी। कलेवा हो गया है, अब चलते हैं गांव में। आ गए हैं गांव के बस स्टैंड पे। राजस्थान के सीकर जिले का छोटा सा गांव है भगतपुरा, जो सीकर और जोधपुर रोड पे पड़ता है। यहाँ नज़दीक कस्बा लोसल है, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। बस स्टैंड पे कंस्ट्रक्शन की काफ़ी दुकानें बनी हुई हैं। बस स्टैंड पे चाय पानी की बहुत ही शानदार और अच्छी व्यवस्था, दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था है, पानी के लिए भी मटके रखे हुए हैं। यहाँ पे हर जिले से, राजस्थान के हर जिले से बसें निकलती हैं, गुजरती हैं। आने जाने की व्यवस्था अच्छी है। गांव में ही वीरू फौजी डिफेंस अकेडमी का बोर्ड लगा है। और गांव में चलते हैं आगे। गांव जुड़ा हुआ है ब्लॉक के रोड से, गांव बस स्टैंड से आधा किलोमीटर दूर है। गांव में प्रवेश करते ही दाई तरफ गांव का बड़ा तालाब है, जो कि वर्षा ऋतु में लबालब पानी से भर जाता है। अभी पानी बहुत कम है इसमें, और यहाँ पक्षी पानी पीने के लिए आते रहते हैं। बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ देखने को मिलता है अपने को। आगे चलते हैं। गांव में जैसे ही आगे प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले गांव में प्रवेश करने पर माता जी का मंदिर आता है। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बना हुआ गांव में प्रवेश करते ही माता जी का मंदिर है। बहुत ही शानदार मंदिर है, और उसके सामने ही सांड की मूर्ति लगी हुई है। जैसे ही आगे चलते हैं, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बड़का वृक्ष है, जिसके नीचे मार्बल से बना हुआ गट्टा है। उसके सामने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और आगे मार्केट दुकानें चालू हो जाती है, भगतपुरा की दुकानें। फिर आगे अपन गांव में प्रवेश करते हैं, तो गांव में दोनों तरफ नालियां बनी हुई है। रोड जरूर थोड़ी टूट चुकी है। आगे फिर चलते हैं, तो गांव का मार्केट दुकानें कतार में बनी हुई है। ये गांव के ही राजकुमार जी सेन की दुकान है, नाई की जो दुकान कर रखी है उन्होंने। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कैसा है बलजी? ये बलजी है, गांव के बीच में बैठे हैं, दुकान चलावे है, और गांव का सरपंच ही है एक तरीका से। ये एक और नाई की दुकान बनी हुई है, महेश सेन, गांव के बीच में ही बनी हुई दुकान है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो में बहुत ही खास और गांव के शानदार सीन में आपको दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करो। ये है गांव का सबसे पुराना ठाकुर जी का मंदिर। ठाकुर जी के मंदिर में मंडप बहुत ही शानदार मार्बल का बना हुआ है। बहुत ही शानदार मंदिर, और इसमें मार्बल से बना हुआ मंडप। आगे चलते हैं, तो ये मार्केट बना हुआ है, दुकानें हैं, पुरानी दुकानें यहाँ पे है। और अब अपन आ गए हैं गांव के शिव मंदिर में, जो शिवरात्रि पर बहुत बढ़िया मेला यहाँ लगता है। और ये एक पुराना गेट यहाँ पे बना हुआ है। अब अपन आगे आ गए हैं गोगा जी के मंदिर में। गोगा जी का शानदार मंदिर बना हुआ, जिसपे पेंटिंग भी अच्छी करी हुई है। ये गांव का कुआं है, जिसमें अब तो पानी की सप्लाई नहीं होती, ट्यूबवेलों से होती है। ये गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल,
बहुत ही शानदार और शांत जगह बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया और साफ सुथरा स्कूल है। ये पहले प्राथमिक स्कूल था, अब उच्च प्राथमिक के बाद में सेकेंडरी स्कूल हो गया। मैं भी यहीं पढ़ा हुआ हूँ और गांव के बुजुर्ग लोग वो भी यहीं पढ़े हुए। 50-60 साल पुराना ये स्कूल है, बहुत ही स्वच्छ और अच्छा स्कूल है। ये दूसरा गेट है, अंदर से बहुत ही साफ सुथरा स्कूल है। ये गांव के लिए धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें काफ़ी प्रोग्राम गांव वालों के द्वारा किए जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर गुंबज बना हुआ है, बालाजी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। गुंबज भी बहुत शानदार है, सीन इसका बहुत ही अच्छा दृश्य है। आगे चलते हैं, अब मैं आपको ले चलता हूँ गांव से 2-3 किलोमीटर बाहर की तरफ। ये गांव के खेतों के बहुत ही शानदार सीन है। यहाँ स्कूल की बसें आती जाती रहती है, आसपास के गांव की शहर की बसें यहाँ स्कूल के बच्चों को लेने बसें आती हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार और अच्छा सीन है। गांव से 2-3 किलोमीटर बाहर केशव शेखावत जी महाराज का मंदिर है। इनके साथ ही साथ 5-7 देवरे और यहाँ पे हैं, बाधवा में आठे पे। बहुत शानदार यहाँ केशव शेखावत जी महाराज का मेला लगता है। ये मेन मंदिर है केशव शेखावत जी महाराज का, जहाँ काफ़ी ध्वजा लटकी हुई है, नारियल पड़े हुए हैं, बंधे नारियल पड़े हैं। शेखावटी स्कूल को डे बस कहाँ से आया? अब सवारी करते हैं, हम ट्रैक्टर की सवारी करते हैं। यहाँ अपने परिचित ही मिल गए, जो ट्रैक्टर पर बैठा लिया है। ट्रैक्टर से रोड, डामर की रोड बनी हुई है। डामर की रोड गांव से 3-4 किलोमीटर बाहर तक बनी हुई है, सांगलिया की तरफ। रोड के दोनों तरफ खेत हैं, बहुत ही शानदार लोकेशन बनी हुई है और फसल है दोनों तरफ, हरियाली हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। अब मैं आगे आपको एक और मंदिर, जीण माता जी के मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। वीडियो कैसा लगा जरूर आप बताना। यह है माता जी का मंदिर, गांव से 2-3 किलोमीटर बाहर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको बढ़िया लोकेशन मंदिर की। जय हो माता रानी। जीण माता जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार बना हुआ है, खुली जगह है चारों तरफ और बढ़िया लोकेशन में बना हुआ है। शाम सुबह यहाँ पे खूब दर्शक दर्शनार्थी आते हैं। अब जो जगह दिखाने जा रहा हूँ मैं, वो गांव की बहुत ही शानदार और बढ़िया जगह है। ये जगह वो है जहाँ नव युवाओं का सपने पूरे होते हैं, जो आर्मी में जाने वाले हैं उनके सपने पूरे होते हैं, वो है ये जगह। अभी अभी कसरत वगैरह चल रही है अंदर, आज अंदर से आपको नहीं दिखाएंगे, आगे एक वीडियो अलग से बनाएंगे इसके लिए, उसमें दिखाएंगे पूरा आपको। वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी नाम तो जानते होंगे आप, यूट्यूब पे बहुत बढ़िया इनका है। यहाँ पे न केवल राजस्थान के, राजस्थान से बाहर पूरे इंडिया के स्टेटों के लड़के यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आर्मी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। बहुत ही शानदार वीरू फौजी यहाँ पे ट्रेनिंग करवाता है। भारत माता की जय। यहाँ से बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है, बहुत लोगों के सपने पूरे यहाँ हुए हैं। वीरू फौजी बहुत तगड़ी मेहनत करवाता है यहाँ पे। इनकी बारी है, वंदे मातरम। अब तुम बोलो वंदे मातरम। एक साथ सारे के सारे हर हो। लावणी कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। लावणी फोन ध्वनि चालू है भैया, रिकॉर्डिंग कर ली तो मैं। हाँ सही है। लावणी हो रही है सरसों की, पीड़ती सरसों की लावणी हो रही है हमारे गांव में। और ये जगदीश भाई जी हैं जो लावणी भी कर रहे हैं, साथ साथ मल्टीमीडिया सेट है इनके पास और बात भी कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो डालते ही आपके पास वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो
सब लोगों तक पहुँचे। अब आ गए हम गांव के बाहर, लगभग 2 किलोमीटर बाहर ये गांव की गौशाला है। गांव के मामा शाह ने इस गौशाला का निर्माण किया है। बहुत ही शानदार जगह है, पवित्र जगह है। यहां गायों का अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। श्री शिव नारायण गोगराज मिश्रा गौशाला भगतपुरा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे दिखाता हूँ मैं, ये है जो गौशाला थी उसके गायों के चरने के लिए चारागाह बना हुआ है, बहुत बड़ा चारागाह बना हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।